अपसर के कल्बों जिगल है सजदा को ना तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन फलक समा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए पढ़ो 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 हाँ इशारे से चाँद चीर दिया छुपे वो बेखुद कफेर लिया गए खूब दिल को असर किया गए खूब दिल को असर किया ये ताबों तबाह तुम्हारे लिए जमीनों जमा तुम्हारे मकीनो मका तुम्हारे लिए पीछे वाले भी पढ़े चुनीनो चुना तुम्हारे लिए कहो बने दो जहां तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही कही न बनी ये बेखबरी ये खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे ये बफौरे सदा समाये बंधा ये सिदरा उठा वो अर्श झुका सुफोफे समान ने सजदा किया वो भी जो अजाम तुम्हारे लिए ये मरहमते के कच्चे मते न छोड़े लते न अपने गते असोरे करे और उनसे भरे असोरे जेना तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए पढ़ो तुम्हारे लिए हाँ सबा तो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन को फले लेबा के तले तले सनाबे खुले खुले लेबा के तले सनाबे खुले रजा की जुबा तुम्हारे लिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए पढ़ो बने दो जहां तुम्हारे लिए सबकी आवाज आए बने दो जहां तुम्हारे लिए सपा तो चले के बाद फले वो फूल खिले के दिन को भले लेबा के तले सनाबे खुले खुले लेबा के तले तले सनाबे खुले खुले अख्तर की जुबा तुम्हारे लिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए कहो बने दो जहां तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए माशाल्लाह माशाल्लाह अब आइए कलाम आला हजरत से हम मुस्तफीज हो रहे थे अब कलाम हुजूर तादु शरिया सुभान अल्लाह नहीं अभी भी बैटरी चार्ज नहीं हुआ आपकी हाथों को बुलंद करके कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए मेरी आदत है मैं पढ़ता भी हूँ और पढ़वाता भी हूँ। मेरी कोशिश ये है कि जितने लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं सबका नाम सना खान मुस्तफा में दर्ज हो जाए इंशाअल्लाह। तो हुजूर तादु शरिया का लिखा हुआ कलाम हम पढ़ते हैं। एक मरतबा आवाज बुलंद दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्म सल्ले अला सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि।
ऐसे नहीं और बुलंद आवाज से जिंदगी के नहीं है किसी के लिए, जिंदगी के नहीं है किसी के लिए, जिंदगी के नबी के नबी के लिए, वल्ला सारे मिलकर वल्ला न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। ये कलाम ऐसा कलाम है, हर आने वाले शेर में एक पैगाम हुजूर दादू शरिया ने दिया। सुभान अल्लाह। न समझ मरते गए जिंदगी के लिए, 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 अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, वल्ला सारे मिलकर वल्ला चांदनी चार दिन है सभी के लिए। अरे बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। चांदनी चार दिन है सभी के लिए, 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 है सदा चांद अब दुन नबी के लिए, वल्ला वल्ला ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो चार दिन, 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 अरे मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए, वल्ला। अब ये शेर खास तवज्जो चाहूंगा, हमारे उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर की बॉडी लैंग्वेज देखें, दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में। मैंने कहा ना हर एक शेर में पैगाम है, सुभान अल्लाह। दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में। अरे है चराग़े लहद रोशनी के लिए, वल्ला सारे मिलकर वल्ला सुभान अल्लाह। देखिए सिर्फ आगे वाले ही बोल रहे हैं, पीछे वालों को क्या पाबंदी है क्या? ऐसा कोई मामला तो नहीं है ना? अरे बोलेंगे कुछ, मामला है कोई?
नहीं है ना, नहीं है ना। अब मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमा ले और इंशाल्लाह हर एक शख्स के हाथ बुलंद होंगे। हाथों को बुलंद कर ले। नहीं नहीं अभी भी नहीं उठे भाई। हाँ अब ये शेर, कोई लब खामोश नहीं रहेगा, हाथों को बुलंद करके। मसला के हैं आला हजरत सलामत रहे, मसला के हैं हजरत सलामत रहे। और बावजे बुलंद, मसला के हैं आला हजरत, मसला के हजरत सलामत रहे, मसला के आला हजरत सलामत रहे, मसला के आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए, वल्ला वल्ला। मसला के आला हजरत पे कायम रहो, 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 मसला के आला हजरत पे कायम रहो। अरे जिंदगी दी गई है इसी के लिए, वल्ला 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 वल्ला। सुलह कुल नबी का नहीं सुनियो, सुभान अल्लाह। सुलह कुल समझते हैं ना, है ना, सुलह कुल नबी का नहीं सुनियो, सुलह कुल नबी का नहीं सुनियो, सुलह कुल नबी का नहीं सुनियो, सुलह कुल नबी का नहीं सुनियो। अरे सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, वल्ला 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 अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या लिखा सरकार दादू शरिया ने, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। और ये कब लिखा, खुल्द में जाने से पहले ही लिख दिया, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह इस शेर के बाद मजमे से नारा बुलंद होगा इंशाल्लाह। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बा गए हर एक कादरी के लिए, वल्ला सारे मिलकर वल्ला। और एक मुरीद की ख्वाहिश क्या है, समाज करें, काश महशर में मुझसे ये कह दे खुदा, 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 जा तुझे बख्शा गए अजहरी के लिए, वल्ला। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वल्ला वल्ला वल्ला। वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ।
कोई भी वीडियो गलती मत करो। इधर देखे आप तवज्जो है माशाल्लाह। एक मरतबा कहते हैं मछली के सुभान अल्लाह। आइए कलाम पेश करता हूँ, समाज फरमा लें। मदीने पाक जाने की किस किस की तमन्ना है? तो मैं देखता हूँ कितने हजरात इस कलाम में शामिल होते हैं। अभी भी आपकी बैटरी चार्ज नहीं हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तन्हाई में कलाम पढ़ रहा हूँ, है ना? है ना? मचल के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो एक कलाम जो है नाबीना शायर का लिखा हुआ बड़ा मशहूर कलाम है, इंशाल्लाह इस कलाम में शामिल हो जाएं। आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखो, अब तो बस एक ही धुन है। हाँ सबकी अब तो बस एक ही धुन है। हाँ अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखो, मिलकर पढ़ ले अब तो बस कहीं धुन है के मदीना देखो, मेरे आका अब तो बस कहीं धुन है। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, सरकार कभी तो तुम भी कहो, सरकार कभी तो हम भी कहें, सरकार कभी तो मैं भी कहो, मैंने भी मदीना देख लिया अब तो बस कहीं धुन है के मदीना देखो तो बस कहीं धुन है मदीना देखो। पूरा मजमा अब तो बस कहीं धुन है। हाँ तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। जिसे देखनी हो जन्नत, जिसे देखनी हो जन्नत, वो मदीना देख आए अब तो बस कहीं धुन है मदीना देखो मेरे मौला अब तो बस कहीं धुन है। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस नियत के साथ पढ़े कि आका करीम इसी साल मदीने पाक बुला ले इंशाल्लाह। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में अब तो बस कहीं धुन है के मदीना को अब तो बस कहीं धुन है के मदीना देखो, मिलकर पढ़ ले अब तो बस कहीं धुन है। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार अजीब के मदीना देखो, ताकि इस बार अजीब के मदीना देखो। पूरा मजमा अब तो बस कहीं धुन है के मदीना देखो।
अब तो बस एक ही धुन है, संभल जाए दिले मुस्तर, मदीना आने वाला है। सुभान अल्लाह। पीरो मुर्शिद सरकार दादू शरिया फरमाते गए कि संभल जाए दिले मुस्तर, मदीना आने वाला है। संभल जाए दिले मुस्तर, मदीना आने वाला है। लुटाए चश्मे तर गौहर, मदीना आने वाला है। लुटाए चश्मे तर गौहर, मदीना आने वाला है। कदम बन जाए मेरा सर, मदीना आने वाला है। बिछोरा हमें नजर बन कर, मदीना आने वाला है। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो मेरे मौला। अब तो बस एक ही धुन है, चालिया दे खूके दीवार, में हरम चालिया दे खूके दीवार, रोता रोता में हरम। अपनी मांजूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं, अपनी मांजूर निगाहों से मैं क्या क्या देखो। पूरा मजमा अब तो बस एक ही धुन है, हाँ सबके अब तो बस एक ही धुन है। अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखो। बाबा से बलन, अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखो। अभी भी पीछे वाले खामोश है मेरे भाई, तो उठा आवाज आई माशाल्लाह। अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखो। तुम चलो हम चले सब मदीने चले, हाँ तुम चलो हम चले सब मदीने चले। जाने बे तैबा सब के सफीने चले, जाने बे तैबा सब के सफीने चले। मैं कशो आओ आओ मदीने चले, मैं कशो आओ आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले। दिखा दे या इलाही वो मदीना, कैसी बस्ती है जगह पर रात और दिन मौला, तेरी रहमत परस्ती गए। आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले। मैं कशो आओ आओ मदीने चले, मैं कशो आओ आओ मदीने चले। दस्ते साफिए को सर से पीने चले, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो मेरे मौला। सुभान अल्लाह। अब तो बस एक ही धुन है हम सबकी, अब तो बस देखो, अब तो बस एक ही धुन है। मैं कहा हूँ ये समझ लो, तो उठाओ नजरे।
अरे दिल जरा संभल तो मेरे जाने पे खजरा देखो, दिल जरा संभल तो मेरे जाने पे खजरा देखो, मिलकर पढ़ ले अब तो बस 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 एक ही धुन है के मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है। मक्का पेश करता हूँ उलमाई किराम की दुआओं का सहारा लेकर, मचल के पूरा मजमा हाथों को बुलंद करके कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें क्या ख्वाहिश फरमाते हैं, काश इकबाल यूं ही उम्र बसर हो मेरी, क्या तमन्ना है सुभान अल्लाह। काश इकबाल यूं ही उम्र बसर हो मेरी, अरे सुबह काबे में तो फिर शाम को तैबा देखो, सुबह काबे में तो फिर शाम को तैबा देखो, मिलकर पढ़ ले अब तो बस बस एक ही धुन है के मदीना देखूं मेरे मौला, अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है। आइए दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाने सल्लल्लाहु अलैहि का या दुरूद पाक की फजीलत में क्या बयान करूं। देखें एक अशिके रसूल के सामने मेरे आका का नाम लिया जाए ना तो दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, लेकिन आपकी आवाज ही नहीं है बिल्कुल। दुरूद पाक की दावत दी गई, आवाज बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफियाना मौलाना मोहम्मद माअदल जूद वल करम व आलिहिल करामि व इब्निहिल करीमि व बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मैं कलाम पेश करता हूँ, समाध करें। हाले दिल किसको सुनाए, हाले दिल हाले दिल हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए, आपके हाले दिल किसको सुनाए, आपके नीले कम सबकी आवाज आए, हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते होवे हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते होवे हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते होवे
क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते होवे क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते होवे हाल दिल किसको सुनाए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए सबके लिए शेर पेश करता हूँ समाज करें झूम के कहते हैं सुभान अल्लाह मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है तो गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते होवे गम मुझे क्यों कर सताए आपके होवे हाले दिल किसको सुनाए आपके होते होवे सबकी आवाज आए क्यों किसी से दर पे जाए और इस महफिल पाक के हवाले से एक शेर पेश करता हूँ समाअत करें मसल की पेश की कहते हैं सुभान अल्लाह आपकी महफिल सजी है आ भी जाए अब ये दुआया शेर है आपकी महफिल सजी है आ भी जाए अब हुजूर आपकी महफिल सजी है आ भी जाए अब हुजूर के हम सभी नाते सुनाए आपके होते होवे हम सभी नाते सुनाए आपके होते होवे हाले दिल किसको सुनाए आपके होते होवे आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना बस उसी चौखट से है अपना जीना अपना मरना बस उसी चौखट से है तो हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हम कहाँ सरकार जाए आपके हाले दिल किसको सुनाए आपके आपके होते होवे क्यों किसी के दर पे जाए आपके सुभान अल्लाह अब मैं देखता हूँ कितने लोग हुजूर तादु शरिया से मोहब्बत करते हैं हुजूर तादु शरिया से मोहब्बत करते हैं तो सीने की आवाज निकाली है नहीं अभी भी आवाज नहीं आई आवाज है वाला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरते ताजे शरीयत हम गदा हैं आपके
अल्हम्दुलिल्लाह 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 हजरते 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 ताजे शरीयत हम गदा हैं आपके हजरते ताजे शरीयत हम गदा हैं आपके तू क्यों किसी से दिल लगाए आपके होते हुए क्यों किसी से दिल लगाए आपके क्यों किसी से दर भेजाए आपके होते हुए हाले दिल हाले दिल किसको सुनाए आपके क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए माशाल्लाह बैटरी चार्ज हो रही है ना आपकी हाँ बोले मचल के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अब आइए कलाम पेश करता हूँ समाप्त करें और मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या बताऊं के क्या मदीना है क्या बताऊं बड़ा आसान कलाम है मैंने इसीलिए इस कलाम का इंतखाब किया ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी हो क्या बताऊं के क्या मदीना है क्या बताऊं के क्या क्या बताऊं के क्या मदीना है पढ़िए क्या बताऊं के क्या मदीना है बस मेरा मोहता मदीना है बस मेरा मोहता थोड़ा सा थोड़ा मदीना है क्या बताऊं के क्या मदीना है बस मेरा मोहता मदीना है और उठ के जाऊं 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 कहां मदीने से उठ के जाओ पढ़िए उठ के जाओ कागा मदीने से मैं उठ के जाओ कागा मदीने से क्या कोई दूसरा मदीना है क्या कोई दूसरा मदीना है क्या कोई दूसरा बिरादरे आला हजरत आला हजरत आला हजरत अल्लामा हसन रज़ा खान बरेलवी इरशाद फरमाते गए सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर सूवे जन्नत कौन जाए तुम्हारा छोड़कर बेल का ए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यो जिब्रील सिदरा छोड़कर मर गई जाऊं मैं अगर उस दर से जाऊं दो कदम मर गई जाऊं मैं अगर उस दर से जाऊं दो कदम क्या
बच्चे बीमार गुरबे मसीह का छोड़ के तो उठ के जाओ कागा मदीने से बोलो उठ के उठ के उठ के मदीना है क्या बताओ के क्या मदीना है क्या बताओ के क्या मदीना है। दुआ करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत महफिल पाक के सदके हम सबको दयार हबीब की बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसकी आंखों का नूर तो देखो उसकी आंखों उसकी आंखों उसकी आंखों का नूर तो देखो उसकी आंखों हाँ उसकी आंखों का नूर तो देखो अरे जिसका देखा हुआ मदीना है जिसका देखा हुआ मदीना है हाँ जिसका देखा हुआ मदीना है दुनिया वाले आए है आए है क्या शेर है क्या शेर है दुनिया वाले वाले तो दर्द देते हैं ये दुनिया वाले पढ़िए दुनिया वाले दुनिया वाले दुनिया वाले ये दुनिया वाले आ दुनिया वाले तो दर्द दे गए दर्द दिल की आ दिल की दर्द दिल की दवा मदीना है दर्द दिल की दवा मदीना है हाँ दर्द दिल की दवा मदीना है दिल कर रहा है शेर को दोबारा पढ़ते हैं दोबारा पढ़ते हैं दोबारा पढ़ते दोबारा पढ़ दिया जाए पढ़ दिया जाए पढ़ दिया जाए हाँ लेकिन इस शेर की ना मैं तज़मीन पढ़ता हूँ तज़मीन पढ़ता हूँ बगौर समाद करें और समाद करें मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के सामने हो तो गीत गाते हैं हकीकत है हकीकत है सामने हो तो गीत गाते हैं पीठ पीछे बुराई करते हैं पीठ पीछे बुराई करते हैं बेवफाई का खेल रचते हैं कहिए दुनिया वाले तो दर्द दे गए ये दुनिया वाले दर्द दिल की दवा मदीना है दर्द दिल की दवा दिल में अब दिल में अब दिल में अब कोई कोई आरज़ू ही नहीं इस दिल में अब कोई आरज़ू या मोहम्मद है या मदीना है
या मोहम्मद है या दीना, मिलकर पढ़ ले क्या बताओ के क्या दीना है, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा आ गए हमारा, दिल फिदा आ गए हमारा, दिल फिदा आ गए, दिल फिदा आ गए, पढ़िए दिल फिदा आ गए। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा। भूल गए, भूल गए क्या बताऊं के क्या मदीना है, बस मेरा मुत्ता मदीना है, क्या बता। मदीने पाक का जिक्र छिड़ गया है, सुभान अल्लाह। तो आइए मदीना मदीना का जिक्र कर लेते हैं। नहीं नहीं अभी भी आगे वाले भी खामोश है, पीछे वाले भी खामोश है, बीच वाले एक्टिव है थोड़ा सा, है ना। मैं चाहता हूँ सब की आवाज यहाँ पर आए इंशाल्लाह। मदीना 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 मदीना। सबकी आवाज आए मदीना मदीना के जरिए इस नियत से करेंगे इंशाल्लाह, आशा करीब इसी साल मदीने पाक बुलाए। मदीना 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 आका मेरे आका पूछते पे बोला लो आका मुझे मैं बोला आका 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 मेरे आका पूछते पालो आका मेरे आका पूछते पा मैं बोला लो आका मेरे
मुझे तैबा मैं बोला बोलो जीने नहीं देती है जीने नहीं देती है तमन्नाए पतिता जीने नहीं देती है जीने नहीं देती है तमन्नाए मदीना अरे सांस से आती है तो इसी मेरा एक आशिक रसूल की तमन्ना है तमन्ना है बोले मचल के एक आशिक रसूल की तमन्ना अब आ गया है अब आ गया है अब आ गया है जगो जगो तो इसी सी धुए में रहो रात गए तक जागो तो इसी सी मेरा वो रात गए तक सो जाओ सो जाओ तो ख्वाबों में सो जाओ तो ख्वाबों में नजर आए पदीना सो जाओ तो ख्वाबों में नजर आए पदीना हर सांस से आती है सदा हाय मदीना 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 एक सागर मखमूर मुझे ऐसा हो मैं चाहता हूँ बड़े ही तवज्जो के साथ ये शेर को सुने मचल के पेश की कहते हैं सुभान अल्लाह एक सागर मखमूर मुझे ऐसा हो एक सागर मखमूर मुझे ऐसा ऐसा अता अता हो काबे को भी देखो तो नजर आए पतिता काबे को भी देखो तो नजर आए पतिता हर सांस से आती है सदा आए मदीना मदीना अब आखिरी शेर पेश करता हूँ समाज फरमान नारे तकबीर नारे रिसालत उर्से आला हजरत कासमी
मुफ्ती मोहम्मद हसन रजा साहब तिबला नारे तकबीर नारे रिसालत नशरे मसला के आला हजरत और आज की इस बज़्म के मुकर्रर ख़ुसूसी हजरत अल्लामा हसन रज़ा साहब को बिला मदज़ लहू नूरानी रौनक स्टेज हो चुके आप हजरत बैठ जाएं भाई। हाँ मैं आखिरी शेर पेश कर रहा था माशाल्लाह हजरत की दुआओं का सहारा लेकर मैं शेर पेश करता हूँ। हाथों को बुलंद करके कहते हैं सुभान अल्लाह। रुका है उसे इश्क की राहों में अदब ने रोका है उसे इश्क की राहों में अदब ने रोका है उसे इश्क की राहों में अदब ने फरदा 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 फरदा
परना पोरा सा सर पे उठा लाए मदीना हर सांस से यात्री के सदा मदीना अब हजरत आ चुके हैं, बस आखिरी कलाम मैं पेश कर रहा हूँ जो खास नस्बत है मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत से नस्बत है। तो एक कलाम सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत का लिखा हुआ कलाम, बड़ी कम आवाज आई, बाबा से बल कहने तो मैं उसके चंद अशआर पेश करता हूँ। समाप्त करें, कि वो जिसने हमें अंजुल ईमान दिया है, वो जिसने हमें अंजुल ईमान दिया है, ईमान वक़ीदे का मुहाफिज जो हुआ है, वो जिसने हमें अर्ज़ुल ईमान दिया है, ईमान वक़ीदे का मुहाफिज जो हुआ है, हर बोझ जिसको इमाम अपना कहा है, ओ मेरा रजा मेरा रजा मेरा रजा है, ओ मेरा रजा 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 है, ओ मेरा रजा रजा है, वो मेरा रजा मेरा रजा मेरा रजा है। सबकी आवाज आए, वो मेरा रजा है, वो मेरा रजा है, पढ़ो वो मेरा रजा। कूलर नहीं देगा आपने कभी, इधर देखे ना भाई, देखे ना भाई सबकी आवाज है, सबकी आवाज आए, तवज्जो सबकी यहाँ रहे। वो मेरा रजा मेरा रजा है, ईमान के लुटेरों से हमें जिसने बचाया, हर संत से उठते हुए फितनों को हराया,
ईमान के लुटेरों से हमें जिसने बचाया, हर संत से उठते हुए फितनों को हराया, वो जिसका कलम 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 वो जिसका कलम खंजर खूंखार हुआ है, वो मेरा रजा मेरा रजा मेरा रजा है, मेरा रजा है, वो मेरा रजा है, बोलो वो मेरा रजा ओ मेरा रजा मेरा रजा मेरा रजा है, बोले मचल के सुभान अल्लाह। कि सरकार की अजमत का पता जिसने बताया, और इश्क मोहब्बत का सलीका भी सिखाया, सरकार की अजमत का पता जिसने बताया, और इश्क मोहब्बत का सलीका भी सिखाया, ता उम्र जो उम्र जो सरकार की सुन्नत पे चला है, वो मेरा रजा मेरा रजा है, वो मेरा रजा मेरा रजा है, वो मेरा रजा है, वो मेरा रजा है, पढ़ो वो मेरा रजा। माशाल्लाह मेरा रजा है, कुर्बान जाए अपने इमाम पर, क्या शान है सुभान अल्लाह। कि गुस्ताख नबी से न कभी हाथ मिलाया, ईमान का तकाजा है यही जिसने बताया, गुस्ताख नबी से न कभी हाथ मिलाया, ईमान का तकाजा है यही जिसने बताया, बातिल के आगे बातिल के आगे जिसका कभी सर न झुका है, वो मेरा रजा मेरा रजा मेरा रजा है, फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया बस्ती बस्ती करिया 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 ताजु शरिया शरिया। अब आइए एक शेर आखिरी में पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें पूरा मजमा, हाथों को बुलंद करके कह दूँ सुभान अल्लाह। और इस शेर पर भी खुसूस गुरे वाला की खास तवज्जो, कि अल्लाह ने भेजा है बना कर उन्हें नेमत, वो मुफ्ती आजम हो या फिर ताज शरीयत, अल्लाह ने भेजा है बढ़ कर उन्हें नेमत, वो मुफ्ती आजम हो या फिर ताज शरीयत, ये जिसके गुलिस्तान ये जिसके गुलिस्तान में हर एक फूल खिला है, वो मेरा रजा मेरा रजा मेरा रजा है, वो मेरा रजा मेरा रजा है, हाँ वो मेरा रजा मेरा रजा है। सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत कभी लमत दिल हो नूरानी मक्त में इरशाद फरमाते गए, कि दरबारे रिसालत में जो मकबूल हुआ है, बगदाद से फैजान जिसे खास मिला है, दरबार रिसालत में जो मकबूल हुआ है, बगदाद से फैजान जिसे खास मिला है, गुलजार जो गुलजार जो अजमेर में अल्लाह की अता है, वो
मेरा रजा है, वो मेरा रजा मेरा रजा मेरा रजा है, वो मेरा रजा है, वो मेरा रजा है, बोलो वो मेरा रजा है, वो मेरा रजा मेरा रजा मेरा रजा है। चलिए आखिरी कलाम बस 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 बिल्कुल शॉर्ट में आखिरी कलाम में जिसकी फरमाइश हुई है और माशाअल्लाह भी हजरत का मुआइज़े हसना से भी हमें सरफराज होना है। तो बैटरी आपकी चार्ज हो गई है ना माशाअल्लाह, हाथों को बुलंद करके बताएं माशाअल्लाह। अब आखिरी कलाम जल्दी जल्दी मैं पेश कर देता हूँ, समाअत करें एक मरतबा आवाज़ें बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व अहलिहि। आपको क्या कहना है आवाज़ें बुलंद कहना है हक है क्या कहना है ऐसे नहीं भाई, आवाज निकाली ना थोड़ी। हक जो है वो सर चढ़ के बोलता है ना रब तो तेरे ही अंदर वसता इच मुराद इशारे बोले शारब आण मिले अमला वाले लंग लंग जाले जाफिल गोते खाते ये अमला वाले लंग लंग जाले जाफिल गोते खाते। पीर मोहम्मद अली बख्श जिन्होंने खींचा पुल से रात का नक्श समात करें। अमला वाले लंग लंग जाले जाफिल गोते खाते दुबल न देवन मोहम्मद बख्श कामिल पीर जनाते मेरा मुर्शिद सोना ऐसा पाबंदे शरीयत कोई पैदा ना हुआ। लोग दीदार को खिंच खिंच के चले आते थे लाखों चेहरे हुए ऐसा कोई चेहरा ना हुआ। और दूर नजदीक से एक ताक नजर आता है अरे वो तो एक चांद हुआ आपका चेहरा आधा हुआ। मेरा अख्तर सोना मेरा मुर्शिद सोना एक कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर तुर तुर होवे मेरा पुरुष सोना फखरे अजहर सोना ताजुशरिया सोना
मन परेली पर बरस ये वादियां उड़ जाएगी, एक हवा चल जाएगी, बेहोशियां उड़ जाएगी। आला हजरत के सिपाही है हमें कमत समझ 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 आला हजरत के सिपाही है हमें कम मत समझ, हमसे मत टकरा मुनाफिक धज्जियां उड़ जाएगी, हमसे मत टकरा मुनाफिक धज्जियां उड़ जाएगी। अरे फखरे अजहर की बुलंदी देखने निकले होते हो, अरे हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएगी। मेरा मुर्शिद छोड़ो, मेरा मुर्शिद छोड़ो, ताज शरिया छोड़ो, ताज शरिया छोड़ो, मेरा अख्तर छोड़ो, मेरा अख्तर छोड़ो, मेरा परिचित छोड़ा। मसल के अहमद रजा की अशाद के लिए हमें अस्जद कर गए अख्तर रजा का, अजहरी फाइदे मिल्लत छोड़ा, फाइदे मिल्लत छोड़ा, शेरे परेली छोड़ा, शेरे परेली छोड़ा, आसोड़ा अस्जद छोड़ा, आसोड़ा अस्जद छोड़ा, सोड़ा अस्जद छोड़ा, सोड़ा सोड़ा अस्जद छोड़ा। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले जो अल्लाह मिला देते गए। अब्दुल रसाक सोड़ा, 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 अब्दुल रसाक सोड़ा। काजी कासिम सोना, काजी कासिम सोना, यूं तो दुनिया में हजारों तरह के साए के लिए, अरे कुछ समझ कर तेरे आगे हाथ फैलाता हूँ मैं। काजी कासिम सोना, काजी कासिम सोना, काजी कासिम सोना, काजी कासिम सोना, ये अल्लाह वाले सोने, अल्लाह वाले सोने, ये अल्लाह वाले सोने, तेरी नस्ले पाग में गए। बच्चा बच्चा लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरी नस्ले पाग में बच्चा बच्चा नूर का, तू गहरे नूर तेरा सब घराना नूर का। गुलजारे मिल्लत सोना, गुलजारे मिल्लत सोना, शाहे मसौली सोना, शाहे मसौली सोना, मेरा गुलजार सोना, मेरा गुलजार सोना, मेरा गुलजार सोना, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा अख्तर सोना, ताज शरिया सोना, मेरा मुर्शिद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत दारुल इफ्ता इमाम आजम अबू हनीफा, मुफ्ती हसन रजा मरकजी, जामिया इमाम अख्तर रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेंबरे नूर पर रौनक अफरोज, मदाए खैरुल अनाम, तालिबान उलूम नबुव्वा, हाजिरीन बज़्म, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
الحمد لله رب العالمين والعالمين وله الكبرياء في السماوات السبع والأرضين هو الذي أرسل رسوله بالهدى إلى دين الحق المتين ليظهره على الدين كله إلى يوم الدين لا إله إلا الله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وإدرته الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وقال تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خدا بحر جناب مصطفی امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن یا شفیع المذنبین یا امان الخائفین یا شفیع المذنبین یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن حرز من لا حرز لا یا کنز من لا کنز لا ذخر من لا ذخر لا یا ملتجا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کربلا گلرخ شہزادہ غلو قبا امداد کن امداد کن امداد کن از بندگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ اے دین مدد کعبہ اے ایمان مدد انتظار کرم تشت منے عینی رام اے خدا جو یو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات خشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانہ اے مدد نما درہائے بسترازِ سے کلیدِ کرم کشا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں قادریم نارعیا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم قادریم نارعیا غوث اعظم زنم دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالم زنم قادری کر قادری رکھ قادری یوم اٹھا
قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے وادی رضا کی کوہے ہمالا رضا کہے وادی رضا کی کوہے ہمالا رضا کہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کہے اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے سبحان اللہ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی خورشید علم ان کا فروجہ ہے آج بھی سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے جہاں سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے جہاں احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی سبحان اللہ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی آئیے حضرات عرض و معروف سے قبل ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آپ نے درود پاک کا خراج پیش کر لیں اور پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوپر آ جائیے آپ عقائد و جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے طرف توجہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ فضل اللہ له مئۃ حاجت سبعین منہا فی الآخرت و ثلاثین فی الدنیا آج اس دور کے اندر ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کبھی مالداروں کی بارگاہوں میں حاضر لگاتا ہے کبھی صاحب اقتدار و اہل ثروت کے دربار پر حاضر ہوتا ہے اور اپنی منتیں اپنی سماجتوں کو رکھتا ہے اپنی عرضیاں اور درخواستوں کو پیش کرتا ہے مگر اب نہیں کرنا سنیں میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدہ جس نے میرے عشق میں ڈوب کر جس نے توجہ فرمائی جس نے میرے عشق میں ڈوب کر مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑا تو اللہ کریم اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے سبحان اللہ 100 حاجتیں اللہ رب العزت پوری فرمائے شرط ہے عشق مصطفیٰ سینے کے اندر وہی عشق جو امام کے سینے میں تھا وہی عشق جو صحابہ کرام کے سینے میں تھا وہی عقیدہ جو امام اہل سنت نے دیا کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے وہی عقیدہ جو امام نے دیا کہ مالک کل ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اسی عقیدے کو لے کر آگے بڑھنا ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں وہی عقیدہ وہی ذہن جو امام اہل سنت نے دیا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع کی دہا نہیں وہی عقیدہ ہونا چاہیے
जो इमाम ने दिया के सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। और वही नजरिया जो इमाम के दरबार से मिला कि वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए हैं। वही अकीदा अगर दिल में है और वही इश्क मुस्तफा का चराग दिल में रोशन है कि जिसके बारे में सैयदी सरकार ताजुश शरिया ने इरशाद फरमाया के नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर माल जा उन पर फिदा कर दे। अब आप कहेंगे मौलाना साहब का एक हदीस बतानी थी, इतनी अशार पढ़ने की जरूरत क्या थी? इसलिए कि 1000 की तस्बीह लेकर बैठे और अकीदा अगर दुरुस्त नहीं है तो 1000 की तस्बीह 1000 मर्तबा भी पढ़ ले मगर एक दाना भी कबूल नहीं होगा जब तक के मुस्तफा के इश्क में डूब करना पड़े। मेरे आका की बारगाह ने सहाबा इकराम ने अर्ज किया और अब ये हदीस पाक जो नकल करने लगा हूं इसको अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान जजूली अली रहमान ने दलाइलुल खैरा शरीफ के खुतबे के अंदर नकल फरमाया। अब सहाबा इकराम मेरे आका की बारगाह में क्या अर्ज कर रहे हैं? कीला ले रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरायत सलातल मुसल्लीन अलैक मिम्मन गाब अनका वमन याति बादक मा हालुहुम इंदक फقال اسمعوا صلاه اهل محبتي واعرفهم। मेरे आका अली की सलात व सलाम के प्यारे दीवानों अगर हुजूर का इश्क सीने में है तो ये हदीस पाक आपके लिए है। सहाबा इकराम ने मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया, उनकी नजर थी 14वीं सदी के इस हालात पर और 14वीं सदी के उठते हुए फितनों पर और 14वीं सदी में पैदा होने वाले ये अंग्रेज के टुकड़ों पर पलने वाले नौजवानों को और मेरे आका अली की सलात व सलाम के इन महबूबों की नजर कहां तक देख रही थी। उन्होंने अपने जमाने के अंदर हमारी हिफाजत फरमाई और हमारा अकीदा महफूज रखने के लिए आका की बारगाह ने क्या अरीजा पेश किया? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अली का सलात व सलाम, या रसूल अल्लाह अली का सलात व सलाम अरअयत सलातल मुसल्लीन अलैक मिम्मन गाब अनका वमन याति बादका मा हालुहुम इंदका। हुजूर हम आपके गुलाम और आपके आशिक आपके नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं, अपने माल को कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं, अपनी औलाद को कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। ऐसा इश्क था सहाबाए किराम का और सिर्फ इश्क अपनी जुबानों की हद तक महदूद नहीं था लेकिन मुस्तफा करीम अली की सलात व सलाम के तहफ्फुज की बात आती, नामूस की बात आती तो फिर सहाबाए किराम अपनी जानों का हदिया पेश करके बताया करते थे कि हमने सिर्फ जुबानों से दावा नहीं किया है। सहाबाए किराम की वो छोटे छोटे शहजादे जंगों के अंदर जाकर अपनी जानों को कुर्बान करके ये पैगाम दिया करते थे कि मोहम्मद अरबी के सच्चे वफादार है। जब कह दिया फिदा का या रसूल अल्लाह अली का सलात व सलाम, हुजूर हमारी जाने आपके नाम पर कुर्बान है तो हुजूर ये दावा सिर्फ जुबान की हद तक महदूद नहीं रहेगा, हम आपके नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करने का जज्बा भी रखेंगे। एक सहाबिया अल्लाह अकबर कबीरा जंग के मौके पर दौड़ी दौड़ी जंग के मैदान की तरफ चलती चली जा रही है, किसी ने पूछा किसी से पूछा कि आका अली के सलात व सलाम का हाल क्या है तो पलट कर अर्ज करते हैं कहा आका का हाल पूछते हो तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा कहा मेरे आका का हाल क्या है? कहा हुजूर ठीक है। फिर आगे बढ़ी किसी ने खबर किसी को पूछा कि मेरे हुजूर का हाल क्या है तो पलट कर जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि तेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा वो मेरे आका अली की सलात सलाम की सहाबिया कैसा उसके सीने के अंदर इश्क था, उसने पलट कर कहा हुजूर की बात कर रही हूँ हुजूर के बारे में मुझे जवाब दो। अल्लाह अकबर कबीरा कहा हुजूर ठीक है। फिर थोड़े आगे बढ़ी किसी ने कहा कि तेरा जवान बेटा भी वो शहीद हो चुका है। अल्लाह अल्लाह और फिर उसने पलट कर क्या कहा अपने बेटे की खबर ना ली कि मेरा बेटा कहाँ है कहाँ उसकी लाश तड़प रही है। नहीं नहीं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों सुनो मेरी तरफ तवज्जो दो और
गौर करने का मकाम है। और मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहूंगा, अपने सीनों के अंदर वो जज्बा पैदा रखो और ऐसा इश्क पैदा करो जो सहाबाए किराम के अज़वाज मुतहरात के सीनों के अंदर था। उन्होंने अपने सीनों के अंदर अगर दूध पाला था तो इसलिए पाला था कि हमारे कोख से पैदा होने वाला बच्चा दुनियादार मोहम्मद अरबी का वफादार बनकर पैदा हो, और हमारा बच्चा पैदा होने वाला किसी दुनिया का नाम ले वाला हो, आमिना के बेटे और आमिना के लाल का नाम लेने वाला हो, हमारी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा किसी दुनियादार के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करने का हौसला ना रखे, शहजादा करीम हसनैन करीमैन के नाम पर अपनी जान का सौदा कुर्बान करने वाला जज्बा रखे। ऐसा जज्बा आपको अपने सीनों के अंदर रखना है। और ये आएगा कैसे? ये ऐसे नहीं आएगा, सीनों के अंदर अगर इश्क मुस्तफा पैदा करना है तो फिर मेरे आका अली के सलात व सलाम की शहजादी हजरत खातून जन्नत के किरदार को भी अपनाना होगा, उनकी हया का आपको पास और लिहाज रखना होगा, और उनकी सीरत तजबा का मुताला करके उस पर चलना भी होगा। गुफ्तगू आगे चलती चली जा रही है, वक्त इतना ज्यादा नहीं है कि तबील गुफ्तगू की जाए, अर्ज ये करना है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम, हम वो गुलाम है जो आपकी बारगाह में बैठकर आप पर दुरूद पढ़ते हैं, हुजूर आप हमारा दुरूद मुलाहिजा फरमाते हैं, और कुछ लोग वो हैं जो मजलिस में मौजूद नहीं है, दुनिया के दूसरे खित्ते के अंदर है, लेकिन कुछ लोग वो हैं जो आपकी हयात जाहिरी के बाद में दुनिया में आने वाले हैं। मा हाल हुमा इंदका, आता उन दोनों का क्या हाल है जो फिलहाल मजलिस में मौजूद नहीं है। सहाबाए किराम ज़हन देना चाह रहे हैं, हुजूर आप यहाँ बैठ कर दुनिया के दूसरे खित्ते में जो आप पर दुरूद पड़ रहा है, आप उसका दुरूद मुलाहिजा फरमा रहे हैं या नहीं फरमा रहे हैं? सुबह कयामत तक आने वाले तक, सुबह कयामत तक आपके गुलाम पैदा होते रहेंगे, आप उनका दुरूद सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, उन्हें पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? अब सुने मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अकीदा दिया, क्या नजरिया दिया, और ये अकीदा और ये नजरिया इमाम की बारगाह से हमें मिलता है। अगर इन बद अकीदों ने अपनी निगाह से इनाद का पर्दा हटाकर इश्क मुस्तफा में डूब कर अगर हदीसों का मुताला किया होता तो इनकी इनकी आंखें भी खुलती, इन्हें भी हिदायत मिलती, मगर करे तो क्या करे? खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम की मोहरे इनके ज़हन पर भी थी, इनके दिलों पर भी थी, इनकी आंखों पर भी थी, सब कुछ आया होने के बावजूद भी इनको कुछ नजर नहीं आता था। मेरे आका की बारगाह में अपनी किताब के अंदर क्या अकीदा लिखा, माअद अल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपके अकीदे को और आपकी मोहब्बतों को कैसे ठेस पहुंचाया जा रहा है? आज लोग बातें करते हैं, क्या होता है, वो भी तो नमाज पढ़ते हैं, वो भी तो रोजा रखते हैं, वो भी तो हज करते हैं, और वो भी तो आपकी तरह इस्लामी लिबास पहनते हैं, वो भी तो हुजूर का नाम लेते हैं। अरे मेरे आका अली की सलात वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सुनो सुनो, आका अली की सलात वस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं? फकाला अस्मउ सलात अहले मोहब्बति व आरिफुहुम, जो मेरी मोहब्बत में सरसार होकर मुझ पर दुरूद पड़ता है, मैं उसका दुरूद सुनता भी हूं और उसको पहचानता। समझ में आई बात? उसका दुरूद सुनता भी हूं, पहचानता भी हूं। तो पता चला अब सुबह कयामत तक जो जो मेरे आका की बारगाह में दुरूद का खिराज पेश करेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का तो ये अकीदा है, और ये अकीदा मिला भी कहां? ये बरेली के ताजदार की चौखट से मिला है। बरेली के ताजदार ने नजरिया दिया है कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप छुप आला हजरत ने नजरिया बता दिया, तो पता चला कि हुजूर की मोहब्बत शर्त शर्त है मोहब्बत। अगर हुजूर अली सलातो व सलाम की मोहब्बत सीने में नहीं है, लाख सजदे लाख नमाजें पढ़े मगर वो नमाज़ें कबूल नहीं है, वो सजदे कबूल नहीं है, वो इबादतें काबिले कबूल नहीं है। याद रखें, उन लोगों के साथ में अगर खाना और पीना भी है,
जो मेरे आका अली की सलात व सलाम की शान में नाज़ेबा कलमात पढ़ते हैं, तो याद रखें फिर ईमान पर खात्मा ना होने का अंदेशा भी है। अब एक रिवायत पढ़कर आगे बढ़ना चाहूंगा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अली रहमतुर्रहमान ने अपनी किताब के अंदर एक रिवायत नकल फरमाई है कि एक शख्स सुन्नी था, उसका जब इंतकाल का वक्त आया उसके घर वाले करीब खड़े होकर कलमा की तलकीन कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द कर रहे हैं, मगर उसकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हो पा रहा है। अल्लाह पर कबीरा, घर वालों ने पूछा आखिर माजरा क्या है, कलमा क्यों नहीं पढ़ते हो। कहा मेरे सामने दो शख्स खड़े हैं, ये मुझे कलमा नहीं पढ़ने दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, वो शख्स कौन थे? वो फरिश्ते थे। अल्लाह पर कबीरा, कहा पूछो क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हैं। तो पूछा तो बताया कि मैं दुनिया के अंदर उन लोगों के साथ बैठता था जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बुराई किया करता था, जो उमर फारूक आजम की तोहीन किया करता था। मैं खुद बुराई नहीं करता था, उन लोगों के साथ बैठता था जो बुराई करते थे। आज उसका नतीजा ये मिल रहा है कि उसकी सोहबत की वजह से मेरी जुबान पर कलमा जारी हो रहा। समझ में आई बात? इसलिए ऐसे बदअकीदों से दूर रहे जिनका नजरिया, जिनका अकीदा मुस्तफा करीम के दीवानों के अकीदे के खिलाफ है, फिर उन लोगों के लिए इमाम का पैगाम है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की, या रसूल अल्लाह की, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिक्र मुस्तफा जो उनसे जुदा चाहो नजदीक, जिक्र मुस्तफा जो उनसे जुदा चाहो नजदीक। आला हजरत ने ज़हन दे दिया कि ये हुजूर का जिक्र मुस्तफा के जिक्र से जुदा करने ये काम किसी और का नहीं है, ये नजदियों का काम है। समझ में आई बात? हाँ, आज कुछ लोग ऐसी बातें करने लगे हैं कि आपने अल्लाह के जिक्र के साथ हुजूर का जिक्र मिला दिया। अरे कलमाए तैयबा पढ़ो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद अपने महबूब का नाम अपने साथ मिलाया है। और यही तक ही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक हदीस पाक के अंदर जिसको हदीस कुदसी कहा जाता है मेरे आका अली की सलात व सलाम के बारे में फरमाया कि जहां जहां मुझे याद किया जाएगा महबूब तुझे भी याद किया जाएगा, जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा भी जिक्र होगा, कान जिधर लगाए ये तेरी ही दास्तान। अकीदे की बात सुन, तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना जो हुजूर अली की सलात व सलाम की शान में नाज़ेबा कलमात पढ़ते। और इमाम ने पूरी जिंदगी यही पैगाम दिया, इमाम ने पूरी जिंदगी यही हमको दर्स दिया है कि जो नबी का नहीं वो हमारा, जो नबी का नहीं वो हो ही नहीं सकता है, जो आकाओं बोला का ना हो सका जिसकी पूरी कायनात है, जिसके सदते में पूरी कायनात बनी, जब वो उनका नहीं हो सका तो हमारा कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आला हजरत ने हमें ज़हन दे दिया है ऐसे बदअकीदों से अपने आप को रोक के रखो। और आला हजरत ने पूरी जिंदगी नामों से रिसालत का पहरा दिया, हुजूर अली की सलात व सलाम की इज्जत का पहरा दिया। इसलिए कि आप तारीख उठाकर देखें, आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु 13 मुजद्दद या 14-15 मुजद्दद, क्योंकि किसी किसी सदी में दो दो तीन तीन मुजद्दद भी हुए आए। और मुजद्दद आता क्यों है? मुजद्दद आता इसलिए है कि इस्लाम की पेख कनी जो कमजोर हो चुकी है उसको मजबूत करने के लिए आता है, इस्लाम को दोबारा एक नया निखार लेने के लिए आता है। दुनिया वालों के दिलों के अंदर से इस्लाम की हकानियत खत्म हो चुकी है, उसको दोबारा उसके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा का चिराग रोशन करने के लिए आता है। हर मुजद्दद के दौर के अंदर फितने उठे और फितने उठने हैं, फितने उठने हैं। मेरे आका की हदीस से पाक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कुर्ब-ए-क़यामत फितने ऐसे जन्म लेंगे
कि छतों पर जिस तरह बारिश के कतरे गिरते हैं इस तरह फितने जन्म लेंगे। आप देखें कैसा फितनों का दौर है। हर मुजद्दिद के दौर के अंदर फितने जन्म ले रहे थे, मगर किसी मुजद्दिद के दौर में एक फितना था, किसी मुजद्दिद के दौर में दो फितने थे, किसी मुजद्दिद के दौर में तीन फितने थे, किसी मुजद्दिद के दौर में चार से पांच फितने थे, और इससे ज्यादा फितने अगर थे तो थोड़े थे, मगर उस मुजद्दिद ने अपनी इल्मी बसारत के तौर पर और अपनी दीवी खुदादास सलाहियत को लेकर ऐसा उन फितनों का रद्द किया, उन फितनों को दबा दिया। मगर आप जब इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी का मुताला करेंगे और इमाम अहले सुन्नत और 14वीं सदी के हालात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान का हाल क्या था। कहीं पर वहाबियत का फितना था, कहीं पर देवबंदियत का फितना था, कहीं पर अहले कुरान का फितना था, कहीं पर चक्रालवियत का फितना था, कहीं पर आदियानियत का फितना था, कहीं पर अहले हदीस का फितना था, कहीं पर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के इख्तियारात और तसर्रुफात के इनकार करने वालों का फितना था, कहीं पर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को दाफ़े बला मानने वालों का फितना था कि हम नहीं मानते कि हुजूर दाफ़ुल बला है, कहीं पर आप देखेंगे ऐसे ऐसे फितने थे कि जिसका शुमार नहीं है। और ऐसे इमाम अहले सुन्नत के दौर के अंदर 14वीं सदी के अंदर ना जाने कितने फितने जन्म ले चुके थे। और फिर बड़ी बात तो ये है कि हर फितने का बानी, किसी फितने का बानी कोई मौलवी था, किसी फितने का हामी कोई पीर ज़ादा था, किसी फितने का हामी कोई अहले सरबत था, किसी फितने का नासिर कोई अहले इक्तदार था, किसी फितने का नाशिर कोई अदीब था, किसी फितने का मददगार और किसी फितने का यावर कोई दुनियादार था। और वो उसकी पुष्ट बनाई लेकर अपने फितने का वो दौर आगे बढ़ाते चले जा रहे थे, और मालदारी के दौर को लेकर और अहले सरबत हजरात सियासतदान हजरात उन फितनों को आगे बढ़ाने की नापाक साजिशें रच रहे थे। ऐसे पुरफितन दौर के अंदर आप देखें कभी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब का इनकार किया जा रहा था, कभी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के शाफई यौमे नुशूर होने पर हमला किया जा रहा था, कभी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के मालिक मुख्तार होने का इनकार किया जा रहा था, कभी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के तसर्रुफात का इनकार किया जा रहा था। नित नए फितने जगह जगह जन्म ले चुके थे। बुजुर्गाने दीन के मजारात पर जाना शिर्क और बिदअत से ताबीद किया जा रहा था, हर सुन्नी बच्चे पर शिर्क का फतवा लगाया जा रहा था, या रसूल अल्लाह कहने पर फतवा शिर्क का लगाया जा रहा था, या गौस कहने वालों को मुशरिक कहा जा रहा था, या अली कहने वालों को मुशरिक करार दिया जा रहा था। गर्ज के पूरी दुनिया के अंदर ऐसा फितनों का दौर था कि इंसानियत अब तड़पने लगी थी। मौला ये क्या हो चुका है, तेरे महबूब के गुलामों को मुशरिक से ताबीर किया जा रहा है, तेरे महबूब के कलमा पढ़ने वालों को, तेरे महबूब के इश्क का चिराग दिल में रोशन करने वालों को मुशरिक और बिदअती करार दिया जा रहा था। पूरी दुनिया अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में लड़क बिल बिलाकर दुआएं कर रही थी, मौला अब हमारे ईमान की हिफाजत कौन करेगा, अब हमारे अकीदे की हिफाजत कौन करेगा। दुनिया पुकार पुकार कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सर पटक पटक कर रो रही थी, मौला अब किसी ऐसे मर्द कलंदर को भेज दे जो सारे फितनों का शर से बात कर दे, जो सारे फितनों को दबा दे। फिर दुनिया ने क्या देखा था कि रब की मस्जिद को जलाल आया था, बरेली की सरजमीन पर चलो जसोली मोहल्ले के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना ऐसा परगुजीदा बंदा पैदा फरमाया जिसको दुनिया इमाम अहमद रजा के नाम से जानती है, पहचानती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम अहमद रजा को मुस्तफा करीम के इल्म का वारिस बनाकर भेजा, इमाम अहमद रजा को मुस्तफा करीम के इश्क का वारिस बनाकर भेजा, इमाम अहमद रजा को मुस्तफा करीम की मोहब्बतों का अमीन बनाकर भेजा, और ऐसा भेजा ऐसे दौर के अंदर भेजा कि शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ताची थे लोग इल्म में सैयद अबरार पर, हर वलीद हर गोश को समझा गया या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, सूरत तस्कीन की निकली दिली सीमा से एक
किरण फूटी अचानक चरचर पर मेहताब से। उस किरण ने राहे इमा को मुनव्वर कर दिया। फूल तो है फूल, खाको खाको खारों को घुरे कर दिया। उस किरण को अहले दीन अहमद रजा कहने लगे। उस किरण को अहले दीन अहमद रजा कहने लगे। उम्मते रसूल का पासबा कहने लगे। उस किरण ने राहे इमा को मुनव्वर कर दिया। फूल तो है फूल, खारों को घुरे कर दिया। एक कौमे उम्मत के निगहबा जिंदाबाद, जिंदाबाद ए मुफ्ती अहमद रजा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। इमाम का दौर उठाकर कभी लोगों ने इल्म गैब मुस्तफा पर हमला किया तो इमाम ने एक नहीं 11 किताबें मुस्तफा करीम के इल्म गैब को साबित करने में लिखी। कहीं पर अदौलतुल मक्किया बिल मादतुल गैबिया लिखी, कहीं पर इमाम अहले सुन्नत ने अल्लुलुल मकनून फी इल्म बशीर जिमा कानो मा यकून लिखी, कहीं पर इमाम अहले सुन्नत रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके अलावा दिगर रिसाले लिखे। और फिर इमाम की किताबों की एक अनोखी शान देखे, अनोखा अंदाज देखे। इमाम जब कलम उठाता है तो कलम उठाने के बाद में पहले तो जिस मौजू पर कलम उठाता है कुरान पाक की आयत करीमा पेश करता है, फिर अहादीस तय्यबा पेश करता है, फिर अकवाले सहाबा ताबईन तबे ताबईन को पेश करता है। इमाम अहले सुन्नत रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान देखे। पढ़ने वाले अगर इमाम को पढ़े तो कोई आपका मुखालिफ नहीं होगा। अगर कोई मुखालिफ हो रहा है तो वो सिर्फ इधर उधर की सुनकर मुखालिफ हो रहा है। जिसने इमाम को पढ़ा है पढ़ने के बाद में उसने भी कहा है वादी रजा के को है, हिमालय रजा का है, वो अलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा। सुभान अल्लाह, एक नहीं 150 किताबें इमाम ने बद अकीदों की रद्द की। 150 किताबें, क्या जरूरत थी इतनी किताबें लिखने की, क्या जरूरत थी इतनी शिद्दत करने की। इमाम ने कहा जब तक शिद्दत नहीं करोगे, जब तक सख्ती नहीं करोगे, उस वक्त तक आप हक और बातिल का इम्तियाज नहीं कर पाओगे। इसलिए कि कुरान ने नजरिया दिया मोहम्मद रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लदीन माहु अशिद्दाहु अलल कुफार, और जो उनके सहाबा हैं, जो हुजूर के सहाबा हैं, आपस में नरम दिल है और फीनार पर सख्त है। समझ गए फीनार का मतलब, فِي جَهَنَّمَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا। समझ में आ रही है कुछ बात का इशारा से समझ। तो इमाम ने ये नजरिया दिया कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हुजूर का जिक्र कसरत से किया करो, और ऐसा जिक्र किया करो, ऐसा जिक्र किया करो हुजूर का कि बस आपके दिल को सुरूर महसूस हो, आपके दिल के अंदर उसकी कैफियत महसूस हो। और अगर इमाम की तालीमात पर अगर मैं गुफ्तगू करूं कि हुजूर का इश्क पैदा कैसे होगा, तो इमाम ने तीन चीजें बताई। सबसे पहली चीज, और वो हदीस पाक की रोशनी में बताई, वो हदीस पाक ही सुनो। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं अदिबु औलादकुम अला सलासति खिसाल हुब्बि नबीकुम व हुब्बि आलि नबीकुम व तिलावतिल कुरान। मेरे आका अलैहि सलातु व सलाम के प्यारे दीवानों, ये महफिलें कुछ पैगाम देने के लिए हुआ करती हैं, और पैगाम अगर इन तीन बातों पर अमल कर दिया तो इंशाअल्लाह नस्लों के अंदर सुधार आएगा। बड़े बड़े जलसे होते हैं और बड़े बड़े शोरा और खुतबा को बुलाया जाता है, कभी कभी मशाइख निजाम को भी बुलाया जाता है, मगर मामला पलटता नजर नहीं आ रहा। मामलात के अंदर कुछ चेंजिंग नजर नहीं आ रही है। अभी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे प्यारे कलाम पढ़े, और ऐसे कलाम पढ़े कि दिल के अंदर इश्क मुस्तफा की शमा रोशन हुई। हुए कि नहीं, नहीं बताया। हाँ, और होनी चाहिए, और शमा उसी के दिल में रोशन होगी जिसके दिल के अंदर पहले से ही शमा रोशन हो, ताकि उसके अंदर और भी वो मोहब्बतों का चिराग जोश में आए और उसकी मोहब्बतों का इजहार हो। अब मोहब्बतों का इजहार कैसे होता मालूम? मोहब्बतों का इजहार ऐसे होता है कि अगर
अब तक मुस्तफा करीम की तालीमात पर अमल पैरा नहीं थे तो अब अमल पैरा हो जाए। अब तक मुस्तफा करीम अलैहि सलात व सलाम की फरमा बरदारी में जिंदगी नहीं गुजर रही थी तो अब जिंदगी मुस्तफा करीम के नक्शे कदम पर गुजरी और इन प्रोग्रामात कराने का मकसद भी यही होता है। इतनी सारी महफिलें, इतना बड़ा खर्च और इतने सारे लोगों से इतना जहां घूमना फिरना और मेहनतें करना, ये सारे मामलात आसान नहीं हैं, मगर किए किस लिए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ इस्लाह मुआशरा के लिए। हमारे मुआशरे के अंदर बढ़ती हुई बुराइयां खत्म हो जाए, हमारे मुआशरे के अंदर फैलती हुई बिदआत खत्म हो जाए। मगर क्या मामला है कि कल प्रोग्राम हुआ था तो बहुत सारे नौजवानों के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, आज हो रहा है तो दाढ़ी नहीं है। कल प्रोग्राम हुआ था, कल का मतलब पिछला प्रोग्राम, अब जब भी हुआ हो, कुछ बंदे नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे थे और आज प्रोग्राम हो रहा है, जब भी नमाजों की पाबंदी नहीं है। कल प्रोग्राम हुआ था तो हम कुरान पाक के आदि नहीं थे, हमें बताया गया था कि सोने से पहले सूरह मुल्क शरीफ की तिलावत कर लिया करो और उठने के बाद में सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लिया करो, मगर हालात हमारे क्या थे? हमारी आंखें जब मोबाइल चला चला कर थक जाती है और फिर हिम्मत नहीं होती है कि अब मोबाइल देखा जाए तो रख दिया जाता है और सुबह उठने के बाद में कलमाए तैयबा बाद में जाता है, मोबाइल उठाकर पहले देखा जाता है किसका मैसेज आया है, किसने क्या पैगाम दिया है। आका अलैहि सलात व सलाम के प्यारे दीवानों, अगर मुस्तफा करीम की तालीमात पर अमल करना है तो सुनो मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलात व सलाम के सहाबा का क्या मामूल था, ताबईन का क्या मामूल था, अकाबिरीन का मामूल क्या था, औलियाए कामिलीन का मामूल क्या था। और अगर हम सच्चे पक्के गुलामे औलिया हैं, गुलामे सहाबा हैं, गुलाम मुस्तफा है, तो फिर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं की रविश पर अमल करो, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो और वही किरदार अपनाओ जो 313 का किरदार था, वही रविश अपनाओ जो सहाबाए किराम की रविश थी, वही कल्चर अपनाओ जो हमारे अकाबिरीन का था। आज हम इस दुनिया के अंदर जो लोगों की गुलामियां कर रहे हैं और आज हमारी निगाहों के सामने हमारे आका मौला मुस्तफा करीम जाने आलमीन सल्लल्लाहु की शान में नाज़ेबा कलमात बके जा रहे हैं, पेशानी पर सल नहीं आ रहा है, दिल के अंदर दर्द नहीं हो रहा है, दिल अंगड़ाइयां नहीं ले रहा है और कुछ लोगों को तो मालूम भी नहीं है किसने क्या बुराई की है, किसने क्या तोहीन की है। सुने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दावा करते हो तो फिर मोहब्बतों का इजहार करना पड़ेगा, मोहब्बत अपने इजहार का पैगाम देती है और इजहार कैसे करना है जमाने वालों को बताना है। जब जमाना तुम्हें कहता है और तुम्हें सिर्फ इस नाम पर दबाने की कोशिश करता है कि तुम अल्लाह को मानते हो, मुस्तफा करीम को मानते हो, तो फिर सुनो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलु फिस्सिल्मि काफ्फा, ए ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। ये नहीं है कि जुमा जुमा नमाज पढ़ ली तो काफी हो गया, ये नहीं है कि रमजान में खैरात और सदकात दे दिए तो काफी हो गया, ये नहीं है कि कोई मौलाना साहब गुजर रहे हैं तो दुपट्टा उठाया पर्दा कर लिया, नहीं नहीं, जिस तरह एक आलिम दीन से पर्दा जरूरी है इसी तरह एक नौजवान से भी पर्दा जरूरी है, गैर महरम से भी पर्दा जरूरी है। हमारी माँ और बहने क्या करती है हजरत, अगर आप गली से गुजरने लगेंगे देखा कि दाढ़ी वाले आ रहे हैं, टोपी वाले आ रहे हैं तो झट से लेकर अपना चेहरा ढक लेती है। नौजवानों का मेला लगा हुआ है और मेला लगा क्या है, खुद जाकर मेला लगाती है, वहाँ कहाँ जाती है हया, वहाँ कहाँ जाता है तकद्दुस, वहाँ कहाँ जाती है हजरत खातून ने जन्नत का किरदार, वहाँ कहाँ जाता है ज़ैनब पाक का वो रवैया जो कर्बला की सरजमीन पर अल्लाह पर कबीरा। ऐसे माहौल के अंदर भी आपने अपने बालों को आगे रख कर पर्दा करके ज़हन दिया था। मुस्तफा करीम की शहजादियों सुनो, सुनो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें पाक दामन बनाया है, तुम्हारा मकाम क्या था, तुम्हें जमीन के अंदर जिंदा दरगोर किया जाता था, तुम्हारा मकाम क्या था, अगर बच्ची हो जाती थी तो उसको मार दिया जाता था,
तुम्हारा मकाम क्या था? मकाम ये था कि औरत को नहुसत का सामान समझा जाता था, मगर कुर्बान जाइए मुस्तफा करीम अलैहि सलात व सलाम पर। मुस्तफा करीम अलैहि सलात व सलाम ने आने के बाद में पैगाम दिया है और बताया है, औरत के हुकूक समझाए है कि अगर घर के अंदर एक बच्चा पैदा होता है तो एक फरिश्ता आता है जियारत के लिए, मगर बच्ची पैदा हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों फरिश्तों को भेजा करता है। अल्लाह अल्लाह, यही तक ही नहीं, एक बाप को पैगाम दिया है कि याद रखो मेरे नौजवानों, अगर तुम्हारी चार बच्चियां हैं और तुमने अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत की, अच्छा उनको अच्छी तालीम दी और फिर उनका अच्छा रिश्ता कर दिया, सुन्नी सही उल अकीदा घरों के अंदर रिश्ता कर दिया, सुने बद मजहबों के हाथ में अपनी बच्चियों का हाथ ना दे, बद मजहबों के यहाँ पर अपनी बच्चियों का रिश्ता ना करे, इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जिन लोगों ने मुस्तफा करीम की शान में नासेबा कलमात पके हैं वो दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, और जो ऐसे की निकाह में अपनी बेटी को देता है तो फिर वो अपनी बेटी को जिना के लिए पेश करता है। माद अल्लाह, याद रखो अपनी बच्चियों का तकद्दुस आपके हाथ में है, अपनी बच्चियों का और उनकी इज्जत आपके हाथ में है। आज माहौल कुछ अलग सा हो चुका है, हर हर बच्ची के हाथ में एक मोबाइल है, फिर रात के अंधेरियों में वो होता है, वो मोबाइल होता है और फिर वो लड़की होती है, ना जाने कहां पर बातें चलती है और हालात इर्तदाद तक पहुंच जाते हैं। आए दिन खबरें मिल रही है कि मुसलमान मान इस्लाम पढ़ने वाली बच्ची फुला के साथ भाग कर गई है, फुला के साथ जाकर काला मुंह किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हमारे आका ने फरमा दिया कि मुस्तफा करीम अलैहि सलात व सलाम ने हमें बता दिया कि अपने बच्चों को नबी पाक का प्यार सिखाओ, अगर हुजूर की मोहब्बत होती तो दिलों के अंदर गैरों की मोहब्बत नहीं आती, और हुजूर के आल की मोहब्बत होती तो फिर दुनियादारों की मोहब्बत नहीं आती। इसीलिए मेरे आका ने फरमा दिया था अदिबु औलादिकुम अला सलातिल खिसाल, अपने बच्चों को तीन खसलतें सिखा दो, मेरे आका का प्यार सिखा दो, जब प्यार सिखा दोगे वो दुनियादारों की मोहब्बतों में सरसार नहीं होगी, बल्कि वो भी कहेगी फिदा का या अल्लाह, वो बच्ची भी कहेगी। और सहाबा क्या करते थे, सहाबियात भी कहा करती थी, और आका अलैहि सलात व सलाम की बारगाह में वो नजरिया क्या पेश करती थी, सुने तकबीर, नजरिया पेश करती थी। मेरे आका की बारगाह में आई एक बुढ़िया, उसने कहा हुजूर कयामत कब आएगी? मेरे आका ने पलट कर फरमाया बुढ़िया जरा बता तो सही, आज पूछने आई है क्या नमाजे और रोजे और इबादत इतने पढ़ लिए हैं कि अब जन्नत में जाने की जल्दी है, तूने तैयारी क्या की है? हम और आप होते तो जो हफ्ते में एक दिन जुमा पढ़ते ना वो भी बता देते, जुमा पढ़ता हूँ इस तरह बढ़ चढ़ के बता देते। सहाबी रसूल थी, वो सहाबियात थी, मेरे आका की सहाबिया ने क्या अर्ज किया, इश्क वाला जुमला है, अगर इश्क है तो सुनो, और मेरी माँ और बहनें खास तौर पर सुने, आप तो मैं कहूंगा इसलिए कि आपकी कोख से ये बच्चे जन्म लेते हैं और ये बच्चे उसी वक्त मुस्तफा करीम के फरमा बरदार होंगे जब आपके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा होगा, और जब ये बच्चे आपकी कोख में हो आपके पेट में हो तो आपको मोबाइल देखकर वक्त गुजारी नहीं करनी है, मुस्तफा करीम की बारगाह में दुरूद पाक के गजरे पेश करने हैं, हुजूर की नाते पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है। आज हालात अलग है, वक्त गुजारी के लिए एक तरफ बिठा दिया जाता है कि प्रेग्नेंट है इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वक्त गुजारी के लिए टाइम पास करने के लिए बड़ा सा मोबाइल दे दिया जाता है। अल्लाह पर कबीरा, याद रखे जब सरकारे होते आजम रदी अल्लाह तआला अन्हो मक्तब में गए थे तो मुअल्लिम साहब ने पूछा था शहजादे ये 17 पारे कैसे सुना दिए, पहली मर्तबा मक्तब में आए हो तो क्या जवाब दिया था, मेरी वालिदा माजिदा कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करती थी और 17 पारे की हाफिजा थी, वो कुरान पाक की तिलावत करती थी तो मैं अपनी माँ के पेट में कुरान की तिलावत सुना करता था, सुनते सुनते मुझे इतने पारे याद हो गए, अगर मेरी वालदा 30 पारे की हाफिजा होती तो आज मैं भी 30 पारे का हाफिज़। तो पता चला बच्चा पेट में होता है तो माँ के किरदार का असर बच्चे पर पड़ता है, बात आ रही है।
किरदार का असर पड़ता है। और अगर उन हालात में माँ नमाजों की पाबंदी नहीं करती है, बच्चे पर उसका भी असर पड़ता है। माँ गुनाहों की तरफ रागिब रहती है, बच्चे पर उसका भी असर पड़ता है। माँ कुरान पाक की तिलावत से महरूम रहती है, बच्चे पर उसका भी असर पड़ता है। अगर आपको इसका इनकलाब देखना है तो मैं अपनी बहनों को कहूंगा, अपने इस्लामी बहनों से कहूंगा, आप मेरी बात पर अमल करके देखो, अमल करके देखो। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी गोद को भरे तो फिर 9 महीने तक आप मुसलसल सूरह मरियम की तिलावत करें, 9 महीने तक सूरह यूसुफ की तिलावत करें, 9 महीने तक कुरान मुकद्दस की तिलावत करें, दुरूद पाक की कसरत करें, सिर्फ 9 महीने। पूरी जिंदगी जो चाहे करना है करना, अगर मेरी बात खिलाफ हो जाए तो, ऐसे नहीं कहूंगा खिलाफ हो जाए तो, समझ भाई, 9 महीने तक अपने पेट में रहने वाले की परवरिश ऐसे करो कि कुरान पाक की तिलावत, दुरूद पाक की तिलावत, इस्तगफार की तिलावत, और फिर गुनाहों से बचकर सिर्फ 9 महीने रहो, और अपना इस 9 महीने का रिजल्ट अपने बच्चे पर देखना। अगर बच्चा फरमा बरदार ना हो तो फिर आकर कह देना, बच्चा फिर ऐसा होगा कि अपने वक्त का। अब मैं कहूं कि आज हमारे नौजवानों के अंदर नामूस रिसालत का पहरा देने वाले मौजूद नहीं है, इसलिए कि नामूस का मतलब क्या होता है, मुस्तफा करीम की इज्जत की हिफाजत करना, मुस्तफा करीम की नामूस का पहरा देने का मतलब होता है पर आज आने हवाली हर उस बात का जवाब देना। आज उलमा अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई कलम के जरिए से देवबंदियों का रद्द कर रहा है, कोई गुस्ताखों का रद्द कर रहा है, कोई जुबान से रद्द कर रहा है, अरे कोई हजरत खालिद बिन वलीद का किरदार कौन अदा करेगा, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार कौन अदा करेगा, बादशाह औरंगजेब का किरदार कौन अदा करेगा, टीपू सुल्तान का किरदार अदा कौन करेगा? वो अदा वही करेगा जो तुम्हारे अंदर वो बच्चा पैदा होगा। आज हमारी नस्लों के अंदर वो बच्चा नहीं है, अरे कहां से होगा? वो माए भी तो नहीं है कि जिन माओं का तकद्दस क्या था, वो नमाजों की पाबंद थी, वो कुरान पाक की तिलावत की पाबंद थी, वो सोम सलात की पाबंद थी। अब मैं कहना चाहूंगा, जब माँ आबिदा होती है, जब माँ जाहिदा होती है, जब माँ साइमा होती है, जब माँ पारसा होती है, जब माँ मुत्तकिया होती है, जब माँ अफीफा होती है, जब माँ ज़ेनबे पाक का रवैया लेकर आगे बढ़ती है, जब माँ सीरते खातून जन्नत को लेकर आगे बढ़ती है, तो फिर बच्चा कोई दुनियादार या दुनिया का एक डरता फैले नहीं होता है, अपने वक्त का हो आगे हुआ करता है, गरीब नवाज हुआ करता है, इमाम अहमद रजा हुआ करता है, दादू शरिया हुआ करता है, और जमाने को वो पैगाम देता जाता है कि हमारे रगों जिस माँ का खून उस माँ ने कभी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं की है, तो आज हम भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने वालों के सामने दबेंगे नहीं, बल्कि डट के खड़े रहेंगे और समाने को पैगाम देंगे, हाशिर तक डाले हम पैदाइश मौला मिस्ल फारस नजद के, कले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र। ये ऐसे नहीं होगा, माहों को भी किरदार बदलना पड़ेगा और नौजवान भाइयों को भी सुधार लाना पड़ेगा। याद रखिए, जब आप इस बात को पसंद नहीं करते हो कि आपकी बहनें किसी के साथ गैर तालमेल रखें, आपकी बहनें के साथ कोई गैर नाजायज ताल्लुक रखे, पसंद करता रात खड़ा कर दे कि मैं पसंद करता नहीं करता हूं ना, तो फिर इस बात को क्यों पसंद करते हो कि आप किसी गैर महरम या किसी की बहन पर आप नजर डालो? मेरे आका की बारगाह में एक शख्स आए थे और आने के बाद में कहा, हुजूर मुझे जिना की इजाजत है। सहाबा दौड़े, मेरे आका ने रोक दिया और मेरे आका ने फरमाया, क्या हुआ? शहवत का गलबा है। मेरे आका ने फरमाया, अच्छा बताओ, ठीक है एक बात बैठो, ये बताओ क्या तुम पसंद करते हो कि तुम्हारी वालदा के साथ कोई नाजायज ताल्लुक करे? कहा नहीं। कहा तुम्हारी बहन के साथ? कहा नहीं। कहा अच्छा ये बताओ, जिस औरत के साथ तुम नाजायज संबंध पैदा करना चाहते हो, नाजायज ताल्लुक पैदा करना चाहते हो,
तो जब तुम अपनी माँ के लिए पसंद नहीं कर रहे हो तो वो किसी की माँ नहीं है। जब तुम अपनी बहन के लिए पसंद नहीं कर रहे हो क्या वो किसी की बहन नहीं है? जब तुम्हें अपनी बहन प्यारी है तो उसको भी अपनी बहन प्यारी है। जब तुम्हें अपनी बहन की इज्जत महबूब है उसे भी अपनी बहन की इज्जत महबूब है। मुआशरे से बुराइयों का खात्मा जब भी होगा जब हर इंसान अपने तौर पर बुराइयों का खात्मा करेगा, हर इंसान अपने तौर पर अपने आप के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करेगा। हम यहाँ पर खड़े खड़े लाख चिल्लाए और पूरी रात तकरीर करें कि नमाज की पाबंदी किया करो और गुनाहों से बचा करो, और खुद हमारे हालात अगर ऐसे नहीं हो तो हमारी बातों का असर नहीं होगा असर। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, आप दूसरों को समझाने निकलोगे नहीं सुधार आएगा जब तक के खुद के अंदर सुधार ना आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 13वें पारे के अंदर यही इरशाद फरमाया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही पैगाम दिया है कि हम बंदे के हालात उस वक्त बदलते हैं जब बंदा अपनी हालत को बदलने का मजबूत इरादा कर ले। और डॉक्टर इकबाल ने उसी तर्जमानी की कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को न हो खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल। अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करो। नहीं बदलाव लाओगे 2 बजे तक क्या फजर तक प्रोग्राम करो, कोई प्रोग्राम का फायदा नतीजा सामने नहीं आएगा। इसलिए नौजवानों से गुजारिश करूंगा, लोगों को आपकी दाढ़ियों पर एतराज है, लोगों को आपके लिबास पर एतराज है, लोगों को आपका मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने पर एतराज है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे नाराज होता है कि आप दुनियादारों के पीछे भागते हो, आप दुनियादारों का लिबास पहनते हो। अब सुनो, अगर अल्लाह को राजी करना है तो फिर मुस्तफा करीम के पैर भी करो। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, करीम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। मेरे आका की सीरत को अपनाने की कोशिश करो और ये मत सोचो कि दाढ़ी रख ली तो रिश्ता कौन करेगा, दाढ़ी रख ली तो शादी नहीं होगी, रिश्ता नहीं होगा, शादी हो जाएगी तो दाढ़ी रखूंगा। किसने देखी ये शादी की उम्र? लॉकडाउन ने और कोरोना ने क्या आपको पैगाम नहीं दिया? जवान अच्छे अच्छे हट्टे खट्टे जवानों का इंतकाल हुआ है और जमाने को पैगाम मिला है, इंसान अपनी सेहत पर फख्र मत करना, हम जब चाहेंगे तुम्हारी रूह को कब्ज कर। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मांगेंगे कयामत में अगर मान गए। मुस्तफा करीम की पैरवी करो, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ। ये लोग जल रहे ना, जल इनको और जला, जल रहे ना आपके लिबास, अच्छा लिबास पहनो, दाढ़ियों से जल रहे हैं। अरे आप अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो, दुनियादार के डर से दाढ़ी कटा रहे हैं, अल्लाह और कबीरा, तो फिर खुदा का खौफ कहा है, मुस्तफा की मोहब्बतें कहा है, मुस्तफा की तालीमात कहा है। इसलिए गुजारिश करूंगा इस प्रोग्राम का फायदा तभी होगा जब यहाँ से उठने से पहले पहले हर बंदा यह इरादा करके उठेगा कि इंशाअल्लाह ताला अब तक जो नमाजें छूटी छूटी लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब हर नमाज पढ़ने की मुकम्मल कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा करके जरा बताएं मुझे, तो मैं मानू के इरादा आपका मजबूत हुआ, नमाजों की पाबंदी होगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ, और जो नौजवान अब तक दाढ़ी कटा रहे हैं, मैं अपने बहनों से कहूंगा, चलो तुमसे नहीं, अपने बहनों से कहूंगा कि आप उस शख्स से अपना रिश्ता और संबंध जोड़े जो मुस्तफा का गुलाम, जो मुस्तफा की तालीमात पर अमल करने वाला हो और हुजूर के नक्शे कदम पर चलने वाला हो, उसका इस्लामी लिबास भी हो, उसकी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी भी हो। अगर आपने ये इरादा कर लिया तो कौम के अंदर बदलाव आएगा, जरूर आएगा। हाँ, हदीस से पढ़कर समझ में नहीं आता है, हजरत उमर बिन फारूक के आसपास जमाने में क्या हुआ था, एक शख्स का किसी औरत से ताल्लुक कायम हुआ, अल्लाह हू कबीरा, कनीज़ा हो तो ऐसी हो, उस औरत ने उस शख्स से कहा मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया या गैर संबंध ताल्लुक करना चाहता हूँ, ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। अच्छा, एक शर्त है कि क्या शर्त है कि सिर्फ 40 या 41 रोज तक उमर बिन खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ लो और फिर उसके बाद मैं आपको अपने हवा आपके हवाले कर दूंगी।
अल्लाह पर कितने दिन 40 या 41 रोज हजरत उमर बिन खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ लो। देखो मेरे इस्लाम की शहजादियों ये होती है पाक दामन खातिन। अच्छा उसने कहा 40 दिन तो अब निकल जाएंगे और उसको इश्क का जुनून था। 40 दिन तक नमाज पढ़ी और फिर वो हाजिर हुआ उस औरत के पास से गुजर हुआ। उस औरत ने फिर पलट कर कहा अब तुझे इजाजत है। कहा अब मैं नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा कि मैं जो तुझसे ताल्लुक कायम कर रहा था वो ख्वाहिशात नफ्सानी की बुनियाद पर कर रहा था और जब मैंने नमाज की पाबंदी शुरू कर दी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया इन सलातह अनिल फहशाई वल मुनकर नमाज पे आयाई बुरी बातों से रोक दी। नमाज की बरकत ने मेरे दिल से उस मोहब्बत का जुनून निकाल दिया और उस ख्वाहिश को मेरे दिल से खत्म फरमा दिया है। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मुझे उमर बिन खत्ताब के पैर में तो औरतें और बच्चियां अपने अंदर इनकलाब लाए। इन नौजवानों को मजबूर हो समझ में आई भाई? हाँ घी अगर सीधी उंगली से ना निकले केड़ी उंगली से निकालो तुम नहीं सुधरोगे तो हमारे इस्लाम की शहजादियां सुधर जाएगी इंशाल्लाह ताला और इरादा कर लेगी तो फिर तुम्हें सुधार के भी रहेगी। ये बात ध्यान रखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला करीम हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर अर्ज करूंगा ये प्रोग्राम उसी वक्त फायदेमंद होंगे जब इसमें बताई हुई बातों पर अमल हो चाहे मैं खुद क्यों ना हूं। ऐसा नहीं है कि हम दूध के धुले हुए इंसान हैं। नफ्स हर इंसान के साथ में है। शैतान की सरकशी हर इंसान के साथ जुड़ी है मगर डटना पड़ेगा। रजा नफ्स दुश्मन दम में ना आला हजरत पैगाम दिया ना खुद से मुखातब हो रहे हैं आला हजरत अल्लाह हू अकबर कबीरा। कैसा वो पाकीज़ा मर्दे कलंदर पूरी जिंदगी मुस्तफा की नामोस का फायदा दिया इबादत और रियाजत में जिंदगी गुजारी और अल्लाह और कबीरा जब दिल चाहता था मुस्तफा करीम अली के सलातो सलाम की रुखे जेबा की ज़ियारत करना तो आंखें बंद करते तसर्रुफात मुस्तफा का दीदार होता। आए दिन लोग देखते थे कि सुबह उठते हैं शीरनी तबर्रुक तकसीम करते हैं और तकसीम जब करते थे जब मेरे आका का ख्वाब में दीदार होता था। अल्लाह पर कबीरा वो आशिक जिसको हालत बेदारी के अंदर मुस्तफा करीम का दीदार हुआ और मुस्तफा करीम के रुखे जेबा की ज़ियारत हुई मुस्तफा करीम को जिसने अपनी आंखों से निगाहों से देखा वो ऐसा सच्चा आशिक और पाकीज़ा आशिक और कैसा आशिक अल्लाह तस्किया नफ्स कैसा था। आखिरी गुफ्तगु खत्म करूंगा। तस्किया नफ्स बातिन कैसा पाक था। 21 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में तो सारे उलूम फुनून हासिल कर लिए। फतवा नवेसी का काम जारी रहा रद्द बदमजहवा जारी रहा और दीन मुस्तफा की खिदमत जारी रही। तकरीबन 21 साल की उम्र थी तो फिर आपके वालिद माजिद आपको लेकर गए और हजरत आले रसूल महरजी रजी अल्लाह तआला की बारगाह में सुपुर्द किया कि हुजूर इनको अपना मुरीद बना लीजिए। वहां गए और महरेरा शरीफ की खानकाह का यह दस्तूर था कि जो भी आता था मुरीद जल्दी करते ही नहीं थे पहले उसको अपनी बारगाह में रखते थे 40-40 दिन तक इबादतें कराते थे रियाजतें कराते थे बातिन पाक होता था तब जाकर मुरीद करते थे। अब खानकाह में बहुत लोग आए हुए थे वो जो है मुराकबा चिल्ला कशी मुनाकबा सब कुछ कर रहे थे। इमाम पहुंचे फौरन मुरीद किया और मुरीद करने के बाद में फौरन ही खिलाफत से भी नवाज दिया। कहो सुभान अल्लाह फौरन खिलाफत से नवाज दिया आपके पीर और मुर्शिद। बैठने वालों ने पूछा मजलिस वालों ने कि हुजूर आज तो आपकी खानकाह के दस्तूर के खिलाफ काम हुआ। कहा क्या मामला? कहा हुजूर जो आता है आप मुरीद जल्दी करते नहीं है चिल्ला कशी कराया करते हैं और उसके बाद जब उसका बातिन पाक हो जाया करता है तब जाकर आप उसको मुरीद बनाया करते हैं और आज तो आपने ना कोई चिल्ला कराया ना कोई वजीफा पढ़ाया ना कोई मुराकबा कराया फौरन ही मुरीद कर लिया और फिर उस पर बड़ी बात यह कि खिलाफत भी फौरन अदा फरमा दी
कहा कि और आते हैं अपना बातिन वो परागंदा लेकर आते हैं तो उनका बातिन पाक किया जाता है, तस्बीहाए नफ्स किया जाता है, तस्बीहाए नफ्स किया जाता है, कुलूब अनहार को मुनव्वर मुजल्ला किया जाता है, तब जाकर उसको उस सिलसिले से जोड़ा जाता है जिसकी आखिरी कड़ी जाकर मोहम्मद अरबी से जुड़ती है। अहमद रजा जो आया है इसके दिल के अंदर मुस्तफा करीम के इश्क का थाते मारता समंदर मौजूद है और इसका नफ्स ऐसा पाकीज़ा है, ऐसा मुनज़्ज़ा है, इसको पाकीज़गी की जरूरत नहीं है, इसको तो सिर्फ एक निस्बत की जरूरत थी, हमने वो अता फरमा दी है और अपने 13 सलासल की खिलाफत भी इनको अता फरमा दी है और आपके पीर मुर्शिद ने आपको वो रूहानियत अता फरमाई कि जो कुछ आपके अंदर था वो सब कुछ इमाम अहमद रजा को अता फरमा दिया और ऐसा अता फरमाया कि मुरीद करने के बाद में जब इमाम अहमद रजा को उनके पीर मुर्शिद खानकाह के बाहर लेकर तशरीफ लाए तो लोग देख रहे थे कि अहमद रजा कौन है और आले रसूल बाहर कौन है। अल्लाह पर कबीरा, लोगों ने कहा अगर आले रसूल महरे रबी की अगर जवानी देखनी हो तो अहमद रजा को देख लो, इसलिए कि आज इनके रुखे ज़ेबा के अंदर इनके पीर मुर्शिद का जलवा नजर आ रहा है। पूरा नमाज दिया अपने मुर्शिद ने, उनको उनके मुर्शिद ने सब कुछ नमाज दिया और कहा कि आज तक एक फिक्र सताती थी, एक फिक्र बेचैन करती थी कि अगर सुबह कयामत अल्लाह ने मुझसे पूछा कयामत के दिन कि आले रसूल क्या लाया है, क्या खिदमतें की हैं, कितने लोगों को राह रास्त पर लाए हैं, सब कुछ किया है मगर दिल मुतमन नहीं था। अल्लाह पर कबीरा, मगर अहमद रजा को जो अपने सिलसिले से जोड़ा है आज वो मेरी फिक्र भी खत्म हो चुकी है और अगर कयामत के दिन वो अल्लाह मुझसे पूछेगा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, तो अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा। अल्लाह पर कबीरा, कहा मैं अहमद रजा को पेश कर दूंगा और कहूंगा मौला अहमद रजा को, अहमद रजा को ऐसा पाकीज़ा बातिन, ऐसा पाकीज़ा। अल्लाह हू अकबर कबीर, बचपन में छोटे थे अलग अलग फनून पढ़ने लगे, वालिद माजिद ने कहा बेटा ये दुनिया की तालीम जो तुम पढ़ रहे हो ये मत पढ़ो, ये तो तुम मुस्तफा करीम की खिदमत में लग जाओ, ये तो मुस्तफा के इल्म का सदका तो तुम्हें हुजूर की अता से मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। और ऐसा सदका मिला, ऐसा सदका मिला कि इमाम अहमद रजा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नहीं बल्कि कहा लोगों ने कि 50 उलूम व फुनून पर महारत हासिल थी, फिर आगे बड़ी तहकीक की तो कहा कि 110 उलूम पर महारत हासिल थी, फिर तहकीक करने वालों ने अपने तहकीक को तला से चुस्त वजू को बढ़ाया तो कहा कि 200 से जायद उलूम का माहिर का नाम अहमद रजा है और आज यहाँ नतीजा पहुंचा है कि 500 से जायद अगर उलूम व फुनून का माहिर अगर कोई बड़ा शख्स है तो वो कोई और नहीं बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा है और जिसने हर फन पर कलम उठाया और उस फन का हक अदा कर दिया, बद मजहबों का रब किया तो ऐसे छक्के छुड़ाए कि आज तक वहां भी सर पटक पटक कर रो रही है और बरेली का ताजदार पुकार रहा है किल के रजा है खंजरे खुखार पर करार आधा से कह दो खैर बनाए ना शर करे ये रजा के नेजे की मार है कि अधू के सीने में गार है कस चारा छोड़ पार है ये बार बार से पार है और जमाना कह रहा है वादी रजा की कोहे हिमाना रजा का है जिस सब पे छुपे थे अल्लाह का रजा का है अगलो ने तो मिथ्या है बहुत कुछ इल्म दीन पर जो कुछ इस सदी में है वो तन्हा रजा तन्हा रजा अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत की शान कहते हैं कि रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, दम समझ तो चक्कर में मत फंसना, बेकाहों में मत आना, धोखे में मत आना, रजा नफ्स जो है तुम्हें बुराइयों की तरफ ले जाएगा भलाइयों से रोकेगा, तो रजा नफ्स इसका कहना मत मानना दुश्मन है ये, इसके दम में ना आना। और बहुत कुछ देखा इमाम अहमद रजा ने मगर आजिज़ी करते कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, तुमने अभी चकमा देने वालों को देखा नहीं, लोग चकमा देते हैं ना धोखा देते हैं
तो आला फरमा रहे हैं कि नफ्स धोखा देता है, कहता है कि नमाज पढ़ लूंगा, अभी वक्त बाकी है, अभी वक्त बाकी है, पढ़ लूंगा, वक्त काम आया दूसरे काम में निकल गए, नमाज गई, ज़कात दे दूंगा पूरे साल दे सकते दे दूंगा, रमजान गया दफ्तर बंद हो गया, इसीलिए हर इबादत उसके वक्त पर करो, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर बुढ़ापा आ गया बात फिर बनती नहीं। और हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं सैयद साहब, हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जमात में रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहा हिम्मत, रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहा हिम्मत, जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जमात में हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुआशरे के अंदर हुस्न सुलूक अता फरमाए, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक मोहब्बतें कायम फरमाए, हमारी मस्जिदों को हमारे नौजवानों के सजदों से आबाद फरमाए, हमारी माँ और बहनों को हजरत खातून जन्नत का किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और पाक दामनी और पर्दा करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, और जिन बातों पर मैं अमल नहीं करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे बोलने में आपके सुनने में खामी गलती कोताही हुई, अल्लाह करीम अपने फजल करम से रहम करम से माफ फरमाए, कलमा तैयबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वअतूबुली, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलातु सलाम के लिए खड़े हो जाए। Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, Salawatullah alayka, Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, Salawatullah alayka, tala al-badru alayna min saniyat al-fada'i, wajab al-shukru alayna, madha'a lillahi da'i, ya habibi, ya rasulallah, ya nabi, salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, Salawat Mustafa, Mustafa, Mabba'ul Safa, Sayyidul Anbiya, Mish'alul Filwafa, Kana fi atfihi, Liliyata madifa, Hanna qalbi lahu, Fadha shawqan ilay, Laysa arju siba, Sharbatan min yaday, As-salatu alayka, والسلام علیہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا چگمگا اٹھا زمانہ پورے گاتی تھی ترانہ یا نبی عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء